कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पर किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश यहाँ पर मैं आपको करता हूँ। तो किस तरीके से मार्केट के भावताव रहेंगे, वो जानकारी, विदेशी बाजारों की क्या हलचल है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश मैं यहाँ पर करता हूँ। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे उनको बता देते हैं कि सुबह मॉर्निंग का 9:45 का हमारा शो चलता है, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ के मार्केट पर किस तरीके से हलचल हो रही है, सारी जानकारी विस्तार से दी जाती है। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज रहा। तो बीते शनिवार के दिन की अगर हम भाव जो बता रहे हैं, सोया ऑयल का बाजार 126 रुपए, पामोलिन का बाजार 130 रुपए, राइस ब्रान 122 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 148 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया, सोयाबीन सीड 4880 रुपए रही। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 1244, फॉरवर्ड में 1239, पामोलिन का बाजार 1290, सोया रिफाइंड 1240, सोया डिगम 960, फॉरवर्ड में 955, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1280 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। विदेशी बाजारों की अगर बात करी जाए तो अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील में मौसम खराब, शुष्क होने की वजह से, बारिश में देरी होने की वजह से सोयाबीन में बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजारों में पाम ऑयल में सबसे बड़ी बाजारों में लीड करता हुआ पाम ऑयल का बाजार दिखाई दे रहा है। पाम ऑयल में बाजारों में टाइट सप्लाई की वजह से यहाँ पर तेजी देखने के लिए मिल रही है और पाम ऑयल पूरे बाजार को लीड करता हुआ आप देख रहे हैं, बाजार को दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आप खाद्य तेल बाजारों में हमने आपको ऑलरेडी जो मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं उनको लेवल बता दिया है, किस तरीके से कहाँ के लेवल हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री करें, किस तरीके से लेवल रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप 9:45 का शो में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझ के आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो विदेशी बाजारों की अगर बात करेंगे, बाजारों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो केएलसी अगर बात करी जाए तो 20% ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी 239 रिंगिटी सिर्फ तेज हुई है। सीपीओ की सप्लाई लगातार टाइट बनी हुई है, उसका इंपैक्ट है। ब्राजील अर्जेंटीना में सूखे के मौसम की मार पड़ रही है। भारत में एडविल ऑयल की अगर बात करी जाए तो कोलू तेल 21 रुपए किलो की तेजी, बाकी तेलों में 32 रुपए किलो तक की तेजी, 20% ड्यूटी बढ़ी है तो सीधा सीधा 20 रुपए तो यही हो गया, बाकी 10-12 रुपए बाजार वैसे बढ़ गया। तो बाजारों में तेजी है। ड्यूटी की र्यूमर चल रही है कि ड्यूटी कुछ कम हो जाएगी, कुछ डायनेमिक हो जाएगी, तो अभी फिलहाल सिर्फ र्यूमर मात्र है। न्यूज मार्केट 24 कोई खबर की पुष्टि नहीं करता है, कोई कंफ्यूजन मत रहिए। जब घटेगी तो गवर्नमेंट आपको सूचित करेगी, अभी 4 साल में तो लगी, अब घटाएगी इतनी जल्दी, क्या घटाएगी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। र्यूमर बहुत चलती रहती है, अपने बुद्धि विवेक से आप कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सारी जानकारी दे दी, अब आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहे, सपोर्ट राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 121, रेजिस्टेंस का लेवल 124, सोया का सपोर्ट का लेवल 126, रेजिस्टेंस का लेवल 128, पाम का सपोर्ट का लेवल 129, रेजिस्टेंस का लेवल 132, मस्टर्ड सीड 6900 से 7100 की रेंज, सोयाबीन 4800 से 5000 की रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बिनोला खल तेज है, ऑलरेडी सरसों में तेजी के साथ कामकाज है, सरसों में तेजी देखने को मिल रही है, सरसों तेल भी बाजारों में तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।